गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, करेक्ट। हम यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे थे? हमने अब देखा था अबाउट डिफरेंट केमिकल थियरी, करेक्ट। डेल्टन्स एटॉमिक थियरी पे हम आके रुके हुए थे। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास। याद रखना ये पाँचों थियरी, ठीक है, ऑफ गैसियस एंड डेफिनेट प्रोपोर्शंस, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एवोगैड्रोस लॉ, ऑल आर इम्पॉर्टेंट, आपने आई होप लर्न किया होगा, ठीक है। नाउ एटॉम कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास में। देखिए मास यानी एक तरीके से वजन है, ठीक है। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास, जैसे नाम जा रहा है वैसे इसका डेफिनेशन भी है। फॉर एटॉमिक मास, ठीक है, एक एटम लेंगे हम और उसका वेट करेंगे, उसे कहेंगे एटॉमिक मास, ठीक है। बट कैलकुलेट किससे कंपेयर करेंगे? तो अर्लियर कैसा होता था कि हाइड्रोजन को कंसीडर करते थे 1 यूनिट, ओके, एंड देन रेस्ट एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन एटम। नाउ दे हैव चेंज, इंटरनेशनल सिस्टम हैव चेंज एंड इट हैज़ चेंज टू कार्बन 12, ठीक है। Why कार्बन 12? Because it is most abundant in nature, वो हर जगह पाया जाता है, इसलिए कार्बन 12 को बेस रखा, ठीक है। जो उसका मास है उसे एग्जैक्टली 12 AMU बोला, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ मास इज कंपेयर्ड विद कार्बन 12 के मास से, ओके। सो पहले ये देखिए हाउ 1 AMU, देखो कार्बन 12 इज 12 AMU, एग्जैक्टली 12 AMU। सो ये एग्जैक्टली क्यों बोल रहा हूँ, आप आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और 1 atomic mass unit देन बिकम्स इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम, ठीक है। सो पहले हम 1 AMU कितना ग्राम्स में कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन 12 का वेट करेंगे ग्राम्स में, उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे। सो वी विल बी गेटिंग 1 AMU इक्वल्स टू 1.66056 × 10⁻²⁰ − 24 ग्राम्स, ठीक है। माइनस 24 है, ध्यान रखना उस बात का, ग्राम्स। सो 1 AMU इज दिस मच स्मॉल अमाउंट ऑफ मास। सो इफ 1 AMU इज दिस मच, देन हाउ मच इज अवर हाइड्रोजन एटम? अ लिटिल बिट मोर देन 1 AMU, दैट इज 1.6736 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, ठीक है। देखिए कितना है एग्जैक्टली, तो डिवाइड किया हमने, पता चला हमें 1.0078 AMU है ऑफ हाइड्रोजन मास, ठीक है। एग्जैक्टली 1 नहीं है वो, 1.0078 AMU। सिमिलरली मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ऑल्सो 15.995, 16 नहीं है, 15.995, बट वेरी मच नियर टू 16। इसके लिए हम सारा कैलकुलेशन करते हुए 16 लिखते हैं, 16 AMU। दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास, ओके। तो क्लियर, नाउ मास एटम्स के मास कैलकुलेट होते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। जो कार्बन 12 का मास है उसे एग्जैक्टली 12 AMU बोला, वी डिफाइंड फ्रॉम देयर 1 AMU एंड कैलकुलेटेड मास ऑफ रेस्ट ऑफ द एटम्स, ओके। नाउ एवरेज मास समझते हैं। देखिए नेचर में एलिमेंट सिर्फ एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जांपल के लिए यहाँ पे कार्बन लिया है, ठीक है। इनके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स मीन्स सेम विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होता है आइसोटोप्स, दैट इज बेसिकली उनका मास अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन के देखो 3 आइसोटोप्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंस में, अबंडेंस यानी सबसे ज़्यादा
पाया जाने वाला कौन सा है। सो 98.89% हमें कार्बन 12 मिलेगा, ठीक है। देन 1.18% इज कार्बन 13, एंड 2 × 10⁻¹⁴ -10% इन कार्बन 14। सो इतना कम प्रेजेंट होता है। बट अब इनका एवरेज मास निकालने का मतलब है, हम ये चेक करते हैं कि ईच का मास कितना है मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस, एंड इस तरीके से हम उसका एवरेज मास निकालते हैं। देखिए नीचे किया हुआ है, फॉर द अबाउट डेटा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल कम आउट टू बी 0.98 वॉट एवर सो ऑन इंटू 12 प्लस, सारा किया और हमें जो आंसर मिला 12.011 यूनिट, ठीक है। हमने कार्बन 12 का 12 लिया था, बट कार्बन का एवरेज मास कितना आया 12.011 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो ये याद रखना कि एवरेज मास कार्बन का, आप नेक्स्ट टाइम आप देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना कि इट शुड बी एग्जैक्टली 12। नो, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 12। वाई? बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड इट्स एवरेज एटॉमिक मास। सो लाइकवाइज पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो मास लिखा हुआ है सब एवरेज मास है। ओके, मॉलिकुलर मास। नेक्स्ट, मॉलिकुलर मास इज एज सिंपल एज एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उन सभी के एटम्स के वेट को, मास को ऐड कर दो जो निकल के आएगा, दैट इज मॉलिकुलर मास, ठीक है। एग्जाम्पल में लिया है मीथेन, वन मीथेन का 12.011 यू प्लस 4, हाइड्रोजन का 1.008, सो 4 टाइम्स ऑफ 1.008। वाई 4 टाइम्स? बिकॉज देर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, सो इट कम्स आउट टू बी 16.043। सिमिलरली वाटर का भी निकाल सकते हैं हम, एंड इट कम्स आउट टू बी 18.02 यूनिट्स। ओके, नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी है फॉर्मूला मास। अब ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर एक मॉलिक्यूल सिर्फ H2O के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। ओके, मीथेन का एक मॉलिक्यूल सिर्फ CH4 के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, बट देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट प्रेजेंट इन सिंगल एंटिटी लाइक NaCl। ये तो क्रिस्टल फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे, मीन्स केमिकल फॉर्मूला इज NaCl, एक Na और एक Cl, बट जब वो लैक्टिस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो हमने देखा कि एक एटम कितने अदर एटम से सराउंडेड होता है। सिमिलरली यहाँ पे एक Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 12 क्लोरीन आयन्स एंड सो ऑन, और ऐसे करके लैक्टिस फॉर्म कर रहे हैं। जब हम इनका वेट करेंगे तो दैट इज डेफिनेटली मोर देन व्हाट इट इज। सो हम इसे सिर्फ फार्मूला के बेस पे जाएंगे ऐसे सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करने के लिए, एंड फार्मूला क्या है, 1 Na एंड 1 Cl। तो Na का वेट निकालेंगे हम विच इज 23.0 यूनिट, Cl का वेट निकालेंगे 35.5 यूनिट्स, एंड वी विल ऐड टू गेट 58.5 यूनिट्स एज फार्मूला वेट ऑफ NaCl। ओके, ऐसे कैल दिस इज फॉर्मूला मास। ओके, चलो यहाँ पे रुकते हैं अभी, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप देखना, इनको लर्न कर लेना एक बार, एंड आई होप कि नोट्स मेकिंग इज कंटिन्यूस विद एवरी लेक्चर। ओके, चलो, थैंक यू।